Hello friends, welcome back to Network Creator. Today we will explore the process of installing Ubuntu Server 2023. Friends, first of all, Ubuntu की हम इमेज डाउनलोड करते हैं तो गूगल पर जस्ट आप Ubuntu डाउनलोड सर्च करिए. इसके बाद हम Ubuntu की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे. Ubuntu की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे. डाउनलोड्स पर हमें सर्वर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चेक करना है तो सर्वर की इमेज डाउनलोड करनी है तो आप Ubuntu सर्वर पर जाएंगे. इसके बाद आप Ubuntu सर्वर का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम लेटेस्ट वर्जन 23 को डाउनलोड करेंगे. ये जस्ट कुछ सेकेंड्स में ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस डाउनलोडिंग का. तो देखिए हमारा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है. तो हमारे पास इमेज है तो हम इसको पॉज कर लेते हैं, जरूरत नहीं है हमारे पास. आपके केस में आपके पास नहीं होगा तो आप इसको कंप्लीट डाउनलोड करिएगा. डाउनलोड होने के बाद तो हम क्रिएट करते हैं Ubuntu के लिए एक वर्चुअल मशीन. क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन. नेक्स्ट नेक्स्ट. यहां पर हम इमेज का लोकेशन सेलेक्ट करेंगे ब्राउज करके जहां भी आपका इमेज होगा. उसके बाद नेक्स्ट. वर्चुअल मशीन का क्या नेम देना है तो मैं यहां पर डिफॉल्ट सभी ऑप्शन को छोड़ रहा हूं. नेक्स्ट. प्रोसेसर्स आपको सेलेक्ट करने हैं तो हम नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 है तो कोर्स हम पर प्रोसेसर ले रहे हैं 4 तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर हो जाता है हमारा 8. मेमोरी हम 4GB डिफॉल्ट ले रहे हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क. यस. एंड डिस्क की साइज हमारी डिफॉल्ट 20GB की रहेगी. नेक्स्ट. आपको अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं. और डिस्क फाइल नेम हमारा डिफॉल्ट जाएगा, आप चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड फिनिश. यहां पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जाएगी. अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो जैसे ही आपकी इमेज से मशीन बूट करेगी तो ये ऑप्शन आएंगे, ट्राई और इंस्टॉल Ubuntu सर्वर. तो हम ट्राई और इंस्टॉल को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस इंटर. जस्ट ये बूट हो रहा है आपके इमेज से. देखिए हम Ubuntu का 23 वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं. यहां पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे. लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद इंटर, जो भी आपको लैंग्वेज, तो हम इंग्लिश रख रहे हैं. सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे. कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग और न्यू इंस्टॉलर, तो हम विदाउट अपडेट कंटिन्यू कर रहे हैं. सेलेक्ट कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग. डन पर को सेलेक्ट करेंगे एंड इंटर. Ubuntu सर्वर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो Ubuntu सर्वर की मिनिमाइज्ड, इसमें सारे फीचर्स नहीं इंस्टॉल होते हैं तो हम Ubuntu सर्वर को डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे जो है. उसके बाद डन. नेक्स्ट आपका ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होता है. अगर यहाँ से आपको आईपी असाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी आईपी को असाइन कर सकते हैं. डन डन. एंड यहाँ पर मिरर के लिए सर्च कर रहा है.
आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं डन पर क्लिक करके कंटिन्यू। अब ये आपके डिस्क की पार्टीशनिंग के लिए आता है। आप डिफॉल्ट यूज इंटायर डिस्क सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उबंटू अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन क्रिएट करेगा और नेक्स्ट कर देगा और आपकी उबंटू इंस्टॉल भी हो जाएगी। बट सपोज आपकी इंस्टॉलेशन कस्टमाइजेशन करनी है, आप स्पेसिफिक पार्टीशन को स्पेसिफिक साइज अलॉट करनी है, तो हम करते हैं कस्टम स्टोरेज लेआउट। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप जिसको भी सेलेक्ट करना है, कर्सर अप एंड डाउन एरो से जाने के बाद आप स्पेस अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। जैसे देखिए अभी हम आते हैं कस्टम स्टोरेज, कस्टम स्टोरेज पर ये ब्लिंक कर रहा है, तो आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एरो से डन पर आप आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टोटल साइज दिख रहा है, फ्री स्पेस इतना, तो आप इनकी पार्टीशनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज एज अ बूट डिवाइस एंड फ्री स्पेस पर आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे, ऐड ऐड जीपीटी पार्टीशन। पार्टीशन की साइज सपोज मैं 1 GB, आपको GB देना है, MB देना है, तो आप सपोज मुझे 1 GB देना है तो 1 GB टाइप करेंगे। एंड फॉर्मेट का फाइल सिस्टम होगा EXT4 जो डिफॉल्ट है। माउंट कहाँ आप करना चाहते हैं, तो हम स्लैश बूट में को 1 GB साइज दे रहे हैं, तो एंड सेलेक्ट क्रिएट इंटर। नेक्स्ट फ्री स्पेस साइज पर आप क्लिक करेंगे इंटर, एड जीपीटी पार्टीशन। नेक्स्ट पार्टीशन हम क्रिएट करना चाहते हैं रूट के लिए, तो रूट के लिए हम सपोज सारी साइज देना चाहते हैं 18.997 GB, तो आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लैंक छोड़कर नीचे आइए, फॉर्मेट भी डिफॉल्ट रखिए, माउंट को डिफॉल्ट रखिए, रूट डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो रूट एंड क्रिएट पर एंटर कर दीजिए। ये पार्टीशन आपके क्रिएट हो गए। देखिए रूट को हमने साइज दे दिया 18.997, बूट को दिया 1 GB, एंड जस्ट आप डन पर एंटर कर दीजिए, कंटिन्यू। नेम क्या देना है, सपोज मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ देवेंद्र, सर्वर नेम भी हम देवेंद्र दे दिया, पिक नेम भी हम देवेंद्र लेते हैं, और पासवर्ड आपको जो भी देना है आप दे दीजिए। मैं अपने केस में टाइप कर रहा हूँ, आपको जो भी यूजर नेम पासवर्ड देना होगा आप यहां से देकर डन क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल ओपन एसएसएच सर्वर, एसएसएच की सर्विस ये ऑटोमेटिक यहां से इंस्टॉल हो जाएगी, तो हमें सेलेक्ट करना है डन और नेक्स्ट डन। ये प्रोसेस लास्ट है, यहां पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन में, उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगा रीबूट। रिबूट आप करेंगे और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने सर्वर को लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है, अब देखिए हो गया है आपका इंस्टॉलेशन, बट ये अपडेट्स अभी कर रहा है, तो अगर आपको अपडेट नहीं करना है तो आप जस्ट कैंसिल अपडेट्स एंड रीबूट पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉलेशन डन है, बट अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो अपडेट ऑटोमेटिक ले लेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर भी कैंसिल अपडेट्स एंड रीबूट पर क्लिक कर एंटर कर सकते हैं। तो हमने रिबूट पे कर दिया, अब ये रिबूट हो जाएगा, कैंसलिंग अपडेट्स आपको दिख रहा होगा लास्ट लाइन में। सर्वर रिस्टार्ट हो गया है।
अब सीडी अनमाउंट के लिए बोल रहा है, तो आप जस्ट यहां पर एंटर करेंगे, आपका इमेज अनमाउंट होकर रीस्टार्ट हो जाएगा पीसी। ये बूटिंग प्रोसेस है, देखिए आपको यूजर लॉगिन मोड आ गया और उसी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है उबंटू 23। तो हमने उबंटू 23 सर्वर का इंस्टॉलेशन कर लिया। तो आप अपने यूजर नेम जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम आपने दिया था, तो मेरे केस में देवेंद्र था, एंड पासवर्ड हमने जो भी दिया था मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, ये मत आप सोचना कि दिखेगा। तो ये देखिए हमारा यूजर लॉगिन हो गया प्रॉपर तरीके से। तो हमारा इस तरीके से हमने उबंटू सर्वर 2023 का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया। ये जो आपने SSH इंस्टॉल किया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ये उसकी की दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ से OS को भी हम चेक कर सकते हैं, cat/etc/os रिलीज एक कमांड होता है जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने अभी तक देखा कि उबंटू सर्वर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन 2023 को हमने इंस्टॉल करा, बट अभी तक हमने सिंगल डिस्क में इंस्टॉलेशन किया है। सपोज ये डिस्क फेल हो जाती है तो आप क्या करोगे, उस केस में आपका सर्वर डाउन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उबंटू सर्वर 2023 को रेड के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, रेड में कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, जिसमें एक डिस्क आपकी फेल होती है तो आपके सर्वर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा और दूसरी डिस्क से आपका सर्वर रन होता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।